हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्सल भाई मिश्रा में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं NBS क्वेश्चन पेपर 2019 का। ये रीजनिंग एबिलिटी है जिसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जैसा पूछा गया है कि पंखा का संबंध ताड़ी से है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का संबंध किससे होगा? हृदय, कान, बाल, हाथ। जो करेक्ट आंसर होगा आपका हृदय यानी हार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से रिलेटेड है, जिस प्रकार से घड़ी का संबंध सुई से है, ठीक उसी प्रकार से कैमरे का संबंध किससे होगा? लेंस, रील, फ्लैश, तस्वीर। जो करेक्ट आंसर आपका लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रोमन को 5 लिखा जाता है और इंडियन को 6 लिखा जाता है, तो एडमिशन को क्या लिखा जाएगा? इसमें आपको चेक करना है कि रोमन में कितने अल्फ़ाबेट हैं। 1, 2, 3, 4, 5। रोमन में 5 हैं तो 5 हो गए। इंडियन में 3, 3, 6, 6 हो गए। ठीक इस प्रकार से एडमिशन में आपके 9 अल्फ़ाबेट होंगे। तो जो करेक्ट आंसर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन है उसी तरह से कि ट्रीटमेंट रिलेटेड है आपका हॉस्पिटल से, ठीक है, एंड सेम वे से एजुकेशन रिलेटेड होगा किससे, यानी एजुकेशन रिलेटेड होगा आपका स्कूल से। करेक्ट आंसर इज बी यानी स्कूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है और इंटू का अर्थ है भागा है, और भागा का अर्थ है इंटू यानी, और माइनस का अर्थ है प्लस, तो आपका जो ये इक्वेशन है ये सॉल्व करने पर क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका 23 आएगा। जो करेक्ट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 4, 7, 13-34, 49, 67। इसमें क्या आएगा? आप यहाँ चेक करते हैं, जैसे 4 और 7 के बीच में जो गैप आ रहा है 3 का आ रहा है, फिर 7 और 13 का गैप कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो यानी 3 का गैप प्लस 6 हो गया, फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 3, 6 और 9 का, यानी जो नेक्स्ट संख्या होगी आपका 9 होगी। यानी 9, इसमें 9 प्लस 13 आप ऐड कर दीजिए तो आपका 22 आ जाएगा। यानी नेक्स्ट जो संख्या होगा आपका 22 होगा, यानी ये प्लस में जा रहा है। जैसे इसमें 4 और 7 जोड़े आप में 3 का प्लस हुआ, फिर 7 और 13 जोड़े, तो इसके बीच में आपका 6 का गैप है, यानी फिर 3 का ऐड हुआ। ठीक उसी प्रकार से आपका 6 में 3 और ऐड हो जाएगा आपका, यानी 9 को 13 से आप ऐड कर देंगे तो आपका 22 आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज 22। नेक्स्ट है आपका, मील को 26, 10, 2, 24 लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से पोस्ट को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा? यानी आप मील देखिए, MEAL जो मील है दोस्तों, M का जो लेटर आता है आपका दोस्तों, आपका 30 नंबर पे आता है, ठीक। लेकिन इन्होंने दिया है 30 × 2 यानी 26, और E जो लेटर है आपका 5 नंबर पे आता है, तो इसका फिर इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 कर दिया है। फिर A क्या है आपका, 1 नंबर पे आता है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक। और जो L है आपका 12 नंबर पे आता है। अल्फाबेट आप चेक करेंगे वहाँ पे, चेक कर सकते हैं, तो 12 × 2 करके 24, ठीक। इस तरह से 26, 10, 2, 24 आया है आपका मील लिखने पर। और ठीक इस प्रकार से जब हम पोस्ट को लिखेंगे तो P कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे, यानी ये आपका 32 हो गए 2 × करने पर, और वो आपका आता है
17 नंबर पे। वो आपका आता है 15 नंबर पे, यानी 15 दुना 30 हो गया। और यह साता है आपका 19 नंबर पे, यानी 17 19 दुना 38 नंबर पे। ठीक। और टी इसी प्रकार से 20 पे आता है, 20 × 2 कर देंगे आपका आ जाएगा 40, यानी 32 30 38 40। नाउ नेक्स्ट। ठीक उसी प्रकार से आई टी ए 30, के एच आई 20, तो आई एस एच कितना होगा, यानी इसमें ऐड किया गया है इन सबको, आप चेक कर सकते हैं। आई है आपका 9 नंबर पे है, और टी है आपका 20 नंबर पे, और ए है आपका 1 नंबर पे, यानी आपका 30 आ गया। ठीक उसी प्रकार से ये इसका हो गया, के एच आई का के है आपका 11 नंबर पे, और एच है आपका 8 नंबर पे, आई है आपका 9 नंबर पे, तो आपका कुल मिला के हो गया 28। ठीक उसी प्रकार से आपको पूछा गया है आई एस एच, तो आई है आपका 9 नंबर पे, अल्फ़ाबेट का आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। एस है आपका 19 नंबर पे, और एच है आपका 8 नंबर पे, तो आपका कुल मिलाकर दोस्तों 36 आ गया। करेक्ट आंसर इज ए, 36। नाउ नेक्स्ट। 2/5, 3/7, 5/9, डैश 12/3, यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, तो हम नीचे देख लेते हैं। 5 और 7 के बीच में 2 का गैप, फिर नेक्स्ट 7 और 9 के बीच में 2 का गैप, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 2 9 2 11, नहीं तो जो नीचे आएगा संख्या वो 11 होगी। ठीक। फिर नेक्स्ट है 2 और 3 के बीच में 1 का गैप, 3 और 5 के बीच में 2 का गैप, फिर नेक्स्ट जो गैप होगा 3 का गैप होगा, यानी 5 3 8, तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका 8/11। करेक्ट आंसर इज बी। लास्ट क्वेश्चन, डैश के स्थान पर क्या आएगा, यानी प्रश्न चिन्ह स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे आपका स्क्वायर है, एक का स्क्वायर एक होगा, 0 का स्क्वायर 0, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इधर 3 का स्क्वायर कर दिया 9 हो गया, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करने में आपका 16 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका बी। तो ये रहा आपका दोस्तों रीजनिंग पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें दोस्तों को भी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।